उधर अपनी आजादी का एक साल पूरा करते ही अफगानिस्तान जश्न में डूब गया, लेकिन एक रिपोर्ट ने इस रंग में भंग का काम किया जिसमें आशंका जताई गई कि बहुत जल्द अफगानिस्तान की जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच सकती है। लेकिन इससे बेखौफ वहां की सरकार ने आजादी का एक साल पूरा होने पर राजधानी काबुल में जोरदार जश्न की तैयारी की, जहां रात भर जबरदस्त आतिशबाजी हुई। तालिबान के मुताबिक उसने ये जश्न 20 साल तक चली लड़ाई की जीत पर मनाया, लेकिन इन्हीं 20 सालों ने अफगानिस्तान की जनता को कंगाली तक पहुंचा दिया। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान के 60 लाख से ज्यादा लोगों पर इस वक्त भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है, जिससे उबरने के लिए 77 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 6000 करोड़ की जरूरत होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगातार हमलों की मार झेल रहे अफगानिस्तान में विकास और जनता की भलाई के लिए आई रकम भी बारूद की भेंट चढ़ गई। यानी मदद की जिस रकम को वहां के लोगों की भलाई में इस्तेमाल होना था उसे जंग में झोंक दिया गया, और अब जबकि सर्दियां करीब हैं तो लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यूएन का दावा है कि अफगानिस्तान की 2.5 करोड़ की आबादी में 1.9 करोड़ लोग खाने के संकट से जूझ रहे हैं, और मौसम बदलते ही वहां ईंधन और कंबल जैसी जरूरी चीजों की कमी भी सिर उठाएगी, जिससे निपटने के लिए उसे तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है। इस बीच अरब सागर में पेट्रोलिंग पर मौजूद अमेरिका के जहाज ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोप है कि ईरान का एक जहाज समंदर में मौजूद छोटे जहाज पर कब्जा करने के इरादे से बढ़ रहा था, क्योंकि उस वक्त उस पर कोई मौजूद नहीं था। दावा किया गया कि इस मौके को भांप कर ईरान का शाहिद वजीर नाम का जहाज उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहरा दे रहे एक अमेरिकी जहाज ने उसे खदेड़ दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान उस जहाज पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता अमेरिका ने उसका प्लान चौपट कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट ने मोर्चा संभाला, जिसने जहाज के साथ ही फौरन अपने बेस से एक हेलीकॉप्टर भी रवाना किया।